Hi everyone, welcome to an Academy YouTube. Welcome to the revision class on ethno methodology. I hope all of you were aware about the class. Please let me know whether I am visible and audible. Yes, so this is a revision class on ethno methodology. Kal ka jo hamara class tha wo tha phenomenology pe. And today's class we are going to discuss ethno methodology, the basic difference and also the bits and pieces of ethno methodology jo hamare liye important hai. This is a 30 minute class, and those of you who are in my class for the first time, my name is Antara Chakrabarti and I am your educator for UGC NTNet Sociology. Now 6 to 7 months back I did have a class on ethno methodology, lekin kafi students might not have attended that class, so we will revise those concepts again today. And also towards the end of the class I will take you through some PYQs just so to understand kis tarike ke questions hame pucha ja sakta hai. Okay, so welcome everybody. Right now, from tomorrow a new course is coming up on an Academy Plus, which will be completely on quiz, where you people have to solve them like mock test. And those people who are interested to join, you can. This is my referral code Antara Chak, which will give you a 10% discount, or the upcoming courses if you people want to join. Now before I start with ethno methodology, kal maine aap logo ko kuch briefing diya tha, but usse pehle I want to take you through some very very easy concepts. Is picture mein aapko kya dikhai de raha hai? This is a normal picture of people in their everyday lives जो हम रोज करते हैं. बेसिकली दीज आर पीपल हु आर वॉकिंग ऑन द रोड डूइंग देयर डेली चोर्स एटसेट्रा. ऑन द अदर हैंड मैंने यहाँ पे आपको लिखा है दैट वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कॉमन सेंस. नाउ द रीजन वाई आई हैव मेंशन्ड दीज टू इज बिकॉज एथनो मेथोडोलॉजी इज ऑल अबाउट दैट. कल हमने फेनोमेनोलॉजी पे बताया था दैट दे आर प्राइमरीली इंटरेस्टेड टू नो वॉट इज इन आर कॉन्शियसनेस, बट एथनो मेथोडोलॉजी इज प्राइमरीली अबाउट, लेट्स फर्स्ट ब्रेक दिस वर्ड, उसके बाद यस ओके. नाउ एथनो मेथोडोलॉजी पे हमें क्या देखना है, देखिए एथनो मीन्स पीपल एंड मेथोडोलॉजी मीन्स वॉट एवर मेथड्स वी डू इन आर डे टू डे लाइफ. जो भी चीजें हम करते हैं, चाहे वो कॉमन सेंसिकल हो या फिर कुछ और कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो, थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम कॉमन सेंस ओनली. नाउ अगर आप लोगों को ये चीज स्ट्राइक कर रही है, इनसे पहले जितने भी हमारे थिंकर्स थे, मोस्टली द वंस हु आर मैक्रो थिंकर्स, जिनको होल सोसाइटी पे फोकस था, हुज होल वर्क वॉज ऑन होल सोसाइटी, दे नेवर पेड अटेंशन टू कॉमन सेंस. उन्होंने कहा था कि कॉमन सेंस का कोई वैल्यू नहीं है. ओके, देर इज नो वैल्यू ऑफ कॉमन सेंस. कॉमन सेंस को पढ़ के फायदा नहीं, वी हैव टू अप्लाई आर सोशियोलॉजिकल एनालिसिस. बट इट वॉज गारफिंकल फॉर द फर्स्ट टाइम हू सेज दैट नहीं, इफ यू हैव टू गेट इन टू अंडरस्टैंडिंग पीपल्स एवरी डे लाइफ, तो फिर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड कॉमन सेंस, यानी कि वॉट, टेकन फॉर ग्रांटेड रियलिटी. यस Yes, I can see some students asking me, guys, I already have done a class on Anthony Giddens for free. तो जो students plus में नहीं है, आप लोग वो वाला class जरूर देख सकते हो, structuration वाला. Okay? Just type my name and type structuration on YouTube, आपको वो video मिल जाएगा on Anthony Giddens structuration theory. So everything is taken for granted. Common sense चीजों को हम question नहीं करते. We don't question the realities which are a part of common sense. Ethno methodology वही पढ़ता है. जो भी मेथड्स हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं, उन्हीं चीजों को. नाउ अनदर थिंग दैट यू पीपल हैव टू कीप इन माइंड इज वन स्मॉल एस्पेक्ट, दैट इज कि अगर कोई चीज कॉमन सेंसिकल है, अगर कोई चीज हमारे डेली लाइफ का पार्ट है, तो उसे पढ़ के क्या करेंगे हम लोग? हाउ टू रीड दैट, कैसे हम उन चीजों को पढ़ेंगे? गारफिंकल, हेरोल्ड गारफिंकल, द फाउंडर ऑफ एथनो मेथोडोलॉजी, उन्होंने कहा था टू स्टडी दिस यू विल हैव टू डू सम ट्विकिंग इन द प्रोसेस. आपको थोड़ा बहुत इधर उधर चीजें चेंज करके देखना होगा, लोगों का रिएक्शन क्या हो रहा है. लेट्स से यू डू समथिंग रेगुलरली, बट आप सडनली उस चीज को अगर मैं आपको ब्रेक कर दूं उस प्रोसेस में, तो कहीं ना कहीं यू विल फील डिस्टर्ब. आपको लगेगा कि ये क्या हो गया,
मैं हर रोज ये चीज कर रही थी. सो एथनो मिथोलॉजी इज एग्जैक्टली अबाउट दैट. जो चीजें हम डेली करते हैं उसी चीज को अगर मैं सडनली रोक दूं तो आपका रिएक्शन क्या होने वाला है. दैट मीन्स इट इज नॉट सो कॉमन सेंसिकल आफ्टर ऑल. इसके भी कुछ वैल्यूज हैं जो हेरोल्ड गारफिंकल ने अपने एथनो मिथोलॉजी के वर्क से दिखाया था. ओके, सो रिमेंबर दीज टू कॉन्सेप्ट बिकॉज इट विल कीप ऑन कमिंग अप एज वी मूव अहेड. नाउ एक बहुत कोर क्वेश्चन जो एथनो मेथोडोलॉजी में हेरोल्ड गारफिंकल ने पूछा था वाज वेदर आर वी मेर कल्चरल डोप्स या फिर पपेट्स. पपेट्स के बारे में आप सबको पता है, कठपुतलिया जिनके खुद के कुछ कोई मूवमेंट नहीं होते हैं. देर आर पीपल हु ऑपरेट देम फ्रॉम टॉप. यस, सो एथनो मेथोडोलॉजी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आर वी मेयर कल्चरल डोप. क्या हमारे पास कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है? क्या हमारे ऊपर, जैसे डर्कहाइम ने कहा था, सोशल फैक्ट्स हैं और हम लोग उन्हीं के हिसाब से चलते हैं? आर वी फंक्शनिंग ओनली फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ सोशल फैक्ट्स दैट इज ऑन टॉप ऑफ अस? गारफिंकल सेज नो, इट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट. इसी चीज को कंप्लीटली ऑपोजिट कर देते हैं ये लोग. ओके, ऑपोजिट करते हुए उन्होंने कहा दैट नो, वी आर नॉट कल्चरल डोप. आई थिंक अ लॉट ऑफ यू पीपल हैव अ कंफ्यूजन विद दिस वर्ड. पहले तो ये वर्ड आप लोग क्लियर कर लो. ओके, इट इज मीनिंग दैट वी आर पीपल जो हम खुद डिसाइड करते हैं चीजें. सोशल फैक्ट्स कोई पहले से बनी हुई चीज नहीं है. इट इज नॉट सुई जेनेरिस बट इट इज An accomplishment of members. इस वर्ड का मतलब क्या है? Accomplishment of members, यानी कि हम खुद social facts बनाते हैं. Social fact हमें नहीं बनाते हैं. If you want to look at it from the structure agency debate, वैसे भी आप देख सकते हो Durkheim जैसे macro thinkers ने बस structure पे focus किया था. They did not focus on agency. But Garfinkel says that we personal, यानी कि जो social members हैं हमारे society के, their role is even larger. Okay, so it's more of an accomplishment of the members and not a social fact jo pehle se diya hua hai. Okay, so they completely reject Durkheimian understanding of social facts. Okay, so please remember this part and now let us see what all are the things that I have to show you other than this. Now last time I had taken you through a class, to kuch notes hum log dekh lete hain isme. Some technical notes, if you people have any doubts in these, you can ask me. कुछ basics पहले हमें focus करना है. सबसे basic point ये है कि काफी ज्यादा ये जो एक sentence है ये काफी ज्यादा repeat होता है from Ritzer, George Ritzer, which is a standard textbook for all these theories. That is, आपसे पूछा जाएगा क्या ethnomethodology macro है या फिर माइक्रो है. ठीक है, अगर मान लो बस यही ऑप्शन दो हमें दिया जाए तो फिर हम लोग माइक्रो के साथ जाएंगे. लेट्स से देयर इज ओनली मैक्रो एंड माइक्रो और दो कुछ और दे दिया तो हम माइक्रो के साथ जाएंगे. लेकिन अगर आपके पास तीसरा ऑप्शन है जहां पे आपसे बोला गया है कि इट इज डेफिनेटली नॉट अ मैक्रो अप्रोच बट ऑल्सो अ माइक्रो अप्रोच विद एन आर्टफुल प्रैक्टिस ऑफ बोथ. अगर हम एक स्केल ड्रॉ करेंगे, लेट्स से वी ड्रॉ अ स्केल बिटवीन, लेट्स से दिस इज अ कंप्लीट मैक्रो पिक्चर एंड दिस इज माइक्रो, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एथनो मेथोडोलॉजी यहां पे आता है. ना मैक्रो ना माइक्रो, लेकिन माइक्रो के तरफ ही, ऑलमोस्ट माइक्रो. ओके, अदरवाइज अगर ये तीसरा ऑप्शन ना रहे तो फिर हम माइक्रो ही टिक करेंगे. डू नॉट टिक एनी अदर ऑप्शन व्हिच डज नॉट लुक लाइक दिस. ओके, नाउ किसने स्टार्ट किया था? हेरोल्ड गारफिंकल ने. कब शुरू हुआ था हमारा ये? जनरली जो आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. इसमें दो चार चीजें आप लोगों को क्लियर करना है. हेरोल्ड गारफिंकल की जो बुक आई थी स्टडीज इन एथनो मेथोडोलॉजी, वो 1967 की बुक है जहां पे फाइनली जाके उन्होंने उस चीज को बताया है. लेकिन वन पॉइंट यू पीपल हैव टू रिमेम्बर इन दिस, इट्स अ पीवाईक्यू ऑल्सो जहां पे आप लोगों से पूछा गया है कि शुरू कब हुआ था अल्टीमेटली. सो द आंसर दैट दे हैव एक्सेप्टेड इज 1950s to 1940s. बट वॉट इज द मेजर क्राइटेरिया हियर? यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. क्यों उन लोगों ने 1940s की तरफ हमें बताया? क्योंकि गारफिंकल ने किताब तो लिखा 1967 में, लेकिन इसके बारे में पढ़ना,
किस तरीके से हम एथनो मेथोडोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं. दिस गोज बैक टू 1940s. इनफैक्ट उन्होंने एक छोटी आर्टिकल भी लिखी थी जिसका नाम है कलर ट्रबल. तो उस पे बेस करके ही ये डेट लगाया जाता है. हाउएवर सबसे ज्यादा फेमस हुआ ये जाके 1950s में, एंड देन 1960s में उनकी किताब आती है. सो डू नॉट कंफ्यूज दीज वर्ड्स एंड द डेट्स. जो नेट के पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है वो है 1940s ओनली. ओके, 1950s में जाके फेमस हुआ, 1960s में जाके उन्होंने किताब को लिखा. क्लियर? एंड हिज आर्टिकल्स नेम वाज कलर ट्रबल. करेक्ट. नाउ यस, आई कैन सी सम स्टूडेंट्स आस्किंग मी व्हाट इज मैक्रो एंड माइक्रो. आई थॉट मैक्रो माइक्रो का क्लियर है आप लोगों का. If you people want an understanding of what is macro, micro, let us see it. देखो, एक तो बात आप सोसाइटी को मैक्रो परस्पेक्टिव से देख सकते हो. मैक्रो मीन्स फुल सोसाइटी. आप एक साथ पूरे समाज को देख रहे हो, आप इंडिविजुअल्स को बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हो. माइक्रो में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड यू लुक एट इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स. ओके, आप इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हैं, रियलिटी में लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं. सो एक हो गया पूरे समाज को देखना एज अ होल, वन इज इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स. और एक होता है जो बीच में आता है, मेजो. पर काफी कम थिंकर्स हैं जो मेजो वाले लेवल में आते हैं. मोस्टली इट इज माइक्रो एंड मैक्रो. मैक्रो में फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, ये सारा आ जाएगा. आई हैव टॉट यू पीपल दीज ऑन यूट्यूब. सो जस्ट इन केस यू पीपल हैव नॉट वॉच्ड इट, प्लीज डू. ओके, एंड माइक्रो में सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, फेनोमेनोलॉजी, ये सारे इसी में आ जाएगा. एथनो मेथोडोलॉजी, ऑल दीज. क्लियर? आई होप दिस यू पीपल हैव टू रिमेम्बर. नाउ लेट अस गो बैक टू व्हाट वी वर सीइंग एंड अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट बेटर. एथनो मेथड्स मीन्स पीपल, द मेथड्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ. नाउ काफी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एथनो मेथोडोलॉजी में कौन से टाइप का रीजनिंग लोग यूज करते हैं, डिडक्टिव, इंडक्टिव, अबडक्टिव, प्रैक्टिकल, कौन सा. तो ये चीज आपको याद रखना है कि कोई भी इस तरीके का फॉर्मल रीजनिंग यूज नहीं होता है. इट इज प्लेन प्रैक्टिकल रीजनिंग विच इज यूज्ड. ओके, एथनो मेथोडोलॉजी अगर आप कर रहे हो, मान लो आप एक नॉर्मल सी सोसाइटी को पढ़ने गए हो, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, सो वहां पे आप इंडक्टिव डिडक्टिव नहीं लगाएंगे. यू विल मेयरली अप्लाई द प्रैक्टिकल रीजनिंग टू अंडरस्टैंड पीपल्स एवरीडे लाइव्स. ओके, नाउ सो दीज आर सर्टेन टेक्निकलिटीज जो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था. दैट एथनो मेथोडोलॉजी लिटरली मीन्स जिस तरीके का मेथड्स लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं कॉमन सेंस के तौर पे. इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ यूरोपियन फेनोमेनोलॉजी. कल भी मैंने बताया था दैट मोर देन अ डिफरेंस, इट इज अ पार्ट ऑफ फेनोमेनोलॉजी. तो मान लो अगर हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एथनो मेथोडोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ फेनोमेनोलॉजी. ओके, एंड फेनोमेनोलॉजी में लोगों का सोचने पे फोकस होता है, whereas in ethnomethodology people focus on what they do, यानी कि एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस होता है. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस टू की पॉइंट्स. सो अल्टीमेटली व्हाट वी स्टडी द बॉडी ऑफ कॉमन सेंस नॉलेज. जो मैक्रो थिंकर्स ने बोला था कोई वैल्यू का नहीं है, बट दे सेड नहीं, इनके काफी ज्यादा वैल्यू है. ओके, इट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवरीडे लाइफ. किस तरीके से हम मीनिंग ढूंढते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में. मान लो आप हर रोज इसी रूम पे सोते हैं, कल अगर मैं आपको इस रूम से निकाल दूं, यू विल क्वेश्चन दिस फैक्ट कि क्या हुआ, दिस इज माय बेड, आई शुड बी स्लीपिंग हियर. सो एवरीडे सोशल लाइफ का मीनिंग कहां से आ रहा है क्या नहीं, दीज थिंग्स यू पीपल हैव टू फोकस अपॉन. ओके, नाउ one thing you people have to also understand when we say that it is certainly not macro is because ethnomethodologists ne ye nahi kaha hai ki hum bas individuals ko padhenge. They are also focusing on the societal aspect. Aapke common sense kahan se aa rahe hain? Definitely from the part which we see. Acha, right. So guys, if you don't listen to me carefully right now, some student is telling me ki 26 thinkers video mein maine macro aur micro dono bataya hai. आई थिंक यू हैव नॉट हर्ड दिस क्लास फ्रॉम द बिगिनिंग, और ना ही आपने गारफिनकल का क्लास देखा है. जो भी है, प्लीज सी ऑल द वीडियोज केयरफुली. ऐसे आधे से बीच में से आप कुछ भी मत उठाइए, यू विल नॉट अंडरस्टैंड वट वी सेड. और अगर आपने लेट ज्वाइन किया है, क्लास को बिगिनिंग से देखिए. ओके, सो दे सेड दैट इवन मैक्रो पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट इंडिविजुअल बट सोसाइटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट नॉट एज मच एज द इंडिविजुअल्स. नाउ
एथनो मेथोडोलॉजी में काफी सारे कोर पॉइंट्स आते हैं, बट यू पीपल हैव टू कीप सर्टेन पॉइंट्स इन माइंड. इनमें से दो है इंडेक्सिकैलिटी एंड रिफ्लेक्सिबिलिटी. प्लीज कीप दीज टू पॉइंट्स इन माइंड, जिसको हम लोग बाद में भी देखेंगे. बट ये दो सेंट्रल आइडियाज हैं एथनो मेथोडोलॉजी के. बहुत सारे टेक्निक्स ये लोग यूज करते हैं, बट दीज आर द टू सेंट्रल आइडियाज. ओके, एंड द रीजन व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस इज दैट आपको कोड बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि एथनो मेथोडोलॉजी के सबसे दो इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडियाज क्या है. तब अगर बहुत सारे ऑप्शंस दे दिया आपको, यू विल गेट कंफ्यूज. सो इंडेक्सिकैलिटी एंड रिफ्लेक्सिबिलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्सिकैलिटी? इंडेक्सिकैलिटी सिंपली मीन्स कॉन्टेक्स्ट. अगर मैं आपसे कोई बात कह रही हूं तो कोई कॉन्टेक्स्ट को रख के बोल रही हूं. यस, आई एम टेकिंग इन टू अकाउंट सम कॉन्टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं यहां पे हूं, आप वहां पे हैं. सो वी ऑलवेज टेंड टू इंडिकेट समथिंग. हमारे जितने भी फिंगर्स होते हैं उनमें से वन इज द इंडेक्स फिंगर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स फिंगर? इंडेक्स फिंगर से क्या होता है? हम इंडिकेट करते हैं, शायद जगह को करते हैं या फिर कॉन्टेक्स्ट को करते हैं. यस, सो दिस इज समथिंग विच शोज कॉन्टेक्स्ट. अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उसका कोई एक कॉन्टेक्स्ट होगा. अगर दो लोग आपस में झगड़ा भी कर रहे हैं उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट होगा. नथिंग इज कॉन्टेक्स्टलेस. ओके, नंबर टू इज रिफ्लेक्सिबिलिटी. रिफ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो अ की पॉइंट ऑफ एथनो मेथोडोलॉजी, जहां पे उन्होंने कहा था दैट व्हेन वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन, जब हम कॉन्वर्सेशनल प्रोसेस में होते हैं, वी ऑल्सो ट्राई टू मेक अ सेंस आउट ऑफ इट. दैट मीन्स हम लोग बस ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं. वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन वॉट एवर वी डू या फिर वॉट एवर वी क्रिएट. वाई इज रिफ्लेक्सिविटी इंपॉर्टेंट टू अस? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्राइमरी डिबेट. बिकॉज डर्कहाइम ने क्या कहा था कि हमारे पास कोई भी एजेंसी नहीं होता. सोशल फैक्ट जैसे हमें चीजें करवाते हैं, हम सोशल फैक्ट को ही फॉलो करते हैं. बट रिफ्लेक्सिविटी में ये पॉइंट ऐड हो जाता है दैट वी डू नॉट मेयरली एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, बट वी ऑल्सो री इन्फोर्स थिंग्स, वी ऑल्सो क्रिएट सर्टेन सोशल फैक्ट्स. सो इट इज समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ आर क्रेडिट्स एज वेल. हम भी रिफ्लेक्ट करते हैं इन दो चीजों पे. ओके, so please remember these two points. Now, so basically 1967 में उन्होंने अपनी किताब लिखी स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी. उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि हम सोशल वर्ल्ड को डायरेक्टली पढ़ पाएंगे, इसीलिए उनके स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, अनलाइक टॉप डाउन अप्रोच ऑफ डर्कहाइम. डर्कहाइम का क्या था? टॉप डाउन अप्रोच, कि सोशल फैक्ट्स जो बोला वैसे ही हम एक्ट करेंगे. बट ही सेज नो, द वे वी एक्ट दिस विल मेक द सोशल फैक्ट्स इन द एंड. ओके, और इसी का बीच का रास्ता किसने लिया था? एंथनी गिडेंस ने अपने स्ट्रक्चरेशन थियरी में. इन स्ट्रक्चरेशन थियरी एंथनी गिडेंस ने क्या बोला था? नो, हमारा सोसाइटी या फिर स्ट्रक्चर जिस तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करता है, उसी तरीके से हम भी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेन यू आर बॉर्न यू आर सोशलाइज्ड, आप काफी सारी चीजें सीखते हैं, बट हम चेंज भी तो करते हैं. ऐसा नहीं है कि हमारा कल्चर फिक्स्ड है. अक्रॉस जनरेशंस वी सी आर कल्चर चेंजिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. यस, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. एंड सो बेसिकली ही सेज दैट वी मूव फ्रॉम बॉटम अप. वी आर द पीपल हु डिसाइड, हम डिसाइड करते हैं सोशल फैक्ट हमारा किस तरीके का होगा. क्लियर? नाउ अच्छा, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट नाउ. सो देयर आर सेवरल कॉन्सेप्ट्स इन एथनोमेथोडोलॉजी, लेट अस गो थ्रू देम. क्या क्या है हमारे एथनोमेथोडोलॉजी के की टर्म्स, सो दैट विद की टर्म्स ऑल्सो यू कैन सॉल्व. ऑल्दो ये मैंने आपको 26 थिंकर्स वीडियो में दिया है, बट I think you people really need some meaning also so that we can solve questions. Number one is the concept of accounting. Accounting ka matlab kya hota hai? Jo bhi day to day life mein jo bhi cheeze aap log dekhte hain uska ek hisab kitab rakhna. We all know what happens in accounting. Basically to note down ya fir record whatever we see in and around us. अगर आप एक ट्रू एथनोमेथोडोलॉजिस्ट है, सारी चीजें आप पॉइंट डाउन करेंगे. ओके, यस. नाउ
व्हाट इज कन्वर्सेशनल एनालिसिस? कन्वर्सेशनल एनालिसिस में गारफिंकल ने कहा था दैट व्हेन टू पीपल लेट्स से आर टॉकिंग टू ईच अदर, लेट्स से टू पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर, बट उसके कॉन्टेक्स्ट को आपको याद करना होगा. ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द कॉन्टेंट. ये चीज आप लोग याद रखो, दो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं उस पे वो इंटरेस्टेड नहीं है, बट ही इज मोर इंटरेस्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट नॉट कॉन्टेंट. कि दो लोग कैसे बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग टू योर टीचर आपका बात करने का तरीका अलग होगा, इफ यू आर टॉकिंग टू योर स्टूडेंट आपका बात करने का तरीका अलग होगा, इफ यू आर स्पीकिंग टू योर पेरेंट्स योर कॉन्टेक्स्ट विल कंप्लीटली चेंज. सो ही इज मोर इंटरेस्टेड अबाउट द टोन, अबाउट द कॉन्टेक्स्ट दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ. ग्लॉसिंग का सिंपली मतलब होता है कि वेन वी आर कलेक्टिंग कन्वर्सेशंस वी ट्राई टू फिल्टर थ्रू दैट कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं एटसेट्रा. देर हैज बीन नॉट येट एनी क्वेश्चन ऑन ग्लॉसिंग येट, बट यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस इज अ की टर्म दैट इज यूज इन एथनोमेथोडोलॉजी. ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द कोर पॉइंट्स दैट यू पीपल हैव टू रिमेंबर. लेट अस सी व्हाट इज ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट. ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट मीन्स हमारा जो एवरी डे लाइफ है, जो भी चीजें हम करते हैं हमारे एवरीडे लाइफ में, वॉट एवर थिंग्स वी डू, रूटीन ले ले कुछ भी, अगर उसमें कुछ भी चेंज मैं कर दूं तो आपका रिएक्शन क्या होगा, वॉट विल बी योर रिएक्शन. उसी चीज को पढ़ना ब्रीचिंग. ब्रीचिंग मीन्स किसी चीज या किसी रूल को ब्रेक करना. ओके, फॉर एग्जाम्पल ही शोज इट विद अ वेरी गुड एग्जाम्पल. वी ऑल हैव प्लेड दिस गेम जहां पे हमें क्रॉस सर्कल लगाना होता है, बट कल अगर मैं आपके साथ खेलते खेलते यहाँ पे क्रॉस लगा दू या फिर यहाँ पे सर्कल लगा दू, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द गेम. सो ही सेज क्या रिएक्शन होगा लोगों का अगर हम रियल लाइफ में भी इन सारे कॉमन सेंस चीजों को थोड़ा ब्रेक करके देखेंगे. इंडेक्सिकैलिटी रिफ्लेक्सिविटी इज ऑलरेडी डन. रिफ्लेक्सिविटी में उन्होंने ये भी कहा था दैट हमारा जो सोशल रियलिटी है ये हम बनाते हैं, इट इज क्रिएटेड लोग के लिए, यानी कि मेंबर्स क्रिएटेड, सोसाइटी हमें नहीं देता है. ओके, दे आर रिफ्लेक्सिवली अकाउंटेबल. ये हमने कल ही क्वेश्चन किया था व्हाइल टेकिंग अ क्लास ऑन फेनोमेनोलॉजी. ऑल्सो आई हैड पॉइंटेड दिस आउट, आई डोंट नो इफ यू पीपल रिमेंबर. ही सेड दैट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्सिवली अकाउंटेबल. उन्होंने कहा था कि जो भी अकाउंट्स हम देखते हैं या फिर करते हैं वी ऑल्सो रिफ्लेक्ट बैक ऑन इट. And that's how we create social fact. अगर आपके सामने कोई चीज हो रहा है आप बस उसे ऐसे ही नहीं देखोगे like a puppet, आप उस पर reflect करेंगे, आप सोचेंगे कि ये क्या हुआ, मैं कैसे इस चीज को बदल सकता हूं, etc. Okay? Now, the next concept is etc. principle. What is this concept of etc. principle? देख लेते हैं. एक बहुत ही कॉमन सेंसिकल चीज उन्होंने कहा था, एग्जाम में इफ यू आर राइटिंग एन आंसर, काफी टाइम हम आंसर के काफी सारे डिटेल्स भूल जाते हैं. सो भूलने के बाद हम क्या करते हैं, वी जस्ट राइट एटसेट्रा. मान लो पांच चीजें आपको लिखने थे, दो ही चीजें आपको याद है, तो आप दो चीज के बाद एटसेट्रा लगा देंगे. गारफिंकल सेज दैट इन रियल लाइफ ऑल्सो वी डू दैट. कोई चीज का कॉन्टेक्स्ट मान लो कंप्लीटली आपके सामने नहीं है, लेकिन विद द एटसेट्रा प्रिंसिपल हम उस कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग निकाल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ टुमारो मैं जोर से चिल्ला के पढ़ा नहीं पाई, और मान लो मैंने आपको रीजन नहीं बताया, पर आपको समझ में आ जाएगा कि शायद मेरे गले पे कोई प्रॉब्लम हुई है. सो वी आर सोशलाइज्ड इन सच अ वे कि पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखे बिना हम गेस कर सकते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड एटसेट्रा इवन व्हेन इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली गिवन इन फ्रंट ऑफ अस. ओके, अच्छा, डॉक्यूमेंटरी मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ही सेज कि हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, वट एवर पास्ट एक्सपीरियंसेस वी हैव हैड, उसके बेसिस पे वी टेंड टू क्रिएट सर्टेन इम्पैक्ट ऑन आर डेली लाइफ. मान लो आपने कोई चीज पहले की होगी और आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, वो हमारे डॉक्यूमेंट में या फिर हमारे जो मेंटल डॉक्यूमेंट है उसमें रजिस्टर हो जाती है. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ट्राई टू डू दैट फिर से वो चीज रिफ्लेक्ट करेगी. सो हाउ इज बेसिकली कॉमन सेंस एक्टिंग आउट, कैसे आपके एक्टिविटीज पे इनका असर पड़ता है, यही सारी चीजें गारफिंकल ने कहा था. सो यू हैव टू क्रिएट रिमेंबर दीज कॉन्सेप्ट वेरी वेरी वेल. सर्विस लाइंस में उन्होंने क्या कहा था, ही टेक्स द एग्जांपल ऑफ अ लाइन और अ क्यू. उन्होंने कहा था कि अगर आप देखते हो कहीं पे आप गए हो, मान लो यू हैव गॉन टू अ बैंक, और बैंक में जाके आप देखते हो कि लोग लाइन में खड़े हैं. सो ऑब्वियस सी बात है
यू विल एज्यूम इट कि आपको भी जाके यहाँ पे खड़े हो जाना है. यू विल नॉट गो स्टैंड इन बिटवीन, या फिर आप रूल ब्रेक करके बिगिनिंग में नहीं आ जाएंगे. देयरफॉर गारफिंकल ने कहा था कि काफी टाइम हम इस तरीके के सर्विस लाइंस को एज्यूम कर लेते हैं. अगर सोसाइटी में क्लियरली बोला नहीं भी गया है तो भी हम समझ जाते हैं कि अच्छा हमें ये चीज करना है, एटीएम में, बैंक में, जहां पे भी आप जाएंगे. ओके, सो दैट इज द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी इन दीज टर्म्स. नाउ लेट अस ब्रीफली लुक एट सम क्वेश्चंस व्हिच हैव हैड कम, सो यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट बेटर. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, अभी जो हमने पढ़ा उसी के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, इनमें से कौन सा फंडामेंटल सोशियोलॉजिकल फिनोमेना है हेरोल्ड गारफिंकल के हिसाब से? सोशल फैक्ट्स आर मेड बाय या फिर मेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस. ट्रीटिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सोशल फैक्ट्स एज अकम्प्लिशमेंट ऑफ मेंबर्स, ट्रीटिंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सोशल एक्शंस. सोशल एक्शंस आर मेड ऑफ वैल्यूज एंड अकम्प्लिश्ड बाय मेंबर्स. इनमें से सबसे आसान या फिर सबसे रिलेटेबल कौन सा है? इट इज नंबर टू, दैट इज ट्रीटिंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सोशल फैक्ट्स एज अकम्प्लिश्ड बाय मेंबर्स. उन्होंने क्या कहा था कि सोशल फैक्ट्स ऑब्जेक्टिव तो है लेकिन ये डर्खाइम वाला नहीं, इन्हें हम बनाते हैं, वी क्रिएट देम. कल अगर कोई चीज हमारे कल्चर का हमें नहीं पसंद आ रहा है तो हम उसे मॉडिफाई कर देंगे, हम एक नया चीज लेके आएंगे इंस्टेड ऑफ दैट. ओके, नाउ दिस, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये तो आसानी से कीवर्ड से ही हमारा सॉल्व हो जाता है. उन्होंने कहा था एथनो मेथड्स क्या होता है? एथनो मेथड्स आर नथिंग बट रिफ्लेक्सिवली अकाउंटेबल. जो भी चीज आप देखते हैं उस पर हम रिफ्लेक्ट भी करते हैं इन रिटर्न. ओके, एथनोमेथोडोलॉजिस्ट आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट डिस्क्रिप्शन. ये तो एथनोग्राफी का चीज हो गया. ये जो डिस्क्रिप्शन का पॉइंट है इट इज मोर क्लोज टूवर्ड्स एथनोग्राफी, जहां पे आप कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे. एथनोमेथोडोलॉजी में ये चीज नहीं होता है. यू ओनली हैव टू रिफ्लेक्ट बैक एंड अंडरस्टैंड वॉट इज हैपनिंग. ओके, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव रियलिटी बोथ आर अकाउंटेबल इज नॉट समथिंग विच इज ever been pointed out by Garfinkel, and none of the above to nahi hoga. Therefore, the correct answer here is number one. So that is how you relate just now with whatever we saw. Now, ye question bhi kaafi zyada students ko confuse karta hai. Whenever you see phenomenology and ethnomethodology, let's read the question. Which of the following perspective focuses on the methods used by members of a society to make sense of their daily life? Hamare daily life ko samajhne ke liye jo bhi methods hum use karte hain is a perspective of ethnomethodology. Iske liye aapko koi bahut badi researcher hone ki zarurat nahi, bas kuch jo bhi points Garfinkel ne bataye the usi se hamara ho jata hai. So isme phenomenology nahi hoga. Okay? Now, in the same way, इसी क्वेश्चन को थोड़ा elaborate करके पूछा गया था another year, जहां पे बोला था आपसे कि a theoretical approach which sets out to uncover the methods, हम क्या methods use करते हैं हमारे daily life को समझने में, उसको uncover कौन सा perspective करता है, किस तरीके से हमारा daily life का social reality create होता है. So इसमें भी phenomenology था, but the correct answer will be ethnomethodology. Okay, so I think you have understood what are the keywords, etc. that we use. Again, same way, indexicality or reflexivity ko kisne use kiya tha, kaun se theory mein? Answer will be Garfinkel. Ya fir ghuma ke agar poocha ki kaun se do core elements hain? Number one, indexicality. Number two, reflexivity. Very core element of ethnomethodology. Now, please answer me this question. Inme se kaun sa हेरोल्ड गारफिंकल ने अपने एथनोमेथोडोलॉजी में यूज किया था? डॉक्यूमेंटरी मेथड, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, रेसिप्रोसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव, एटसेट्रा प्रिंसिपल. क्या होगा इसके कोड्स में से आपके आंसर्स होंगे? एंड इट आल्सो रिलेट्स टू व्हाट क्लास वी हैड यस्टरडे. अगर आप लोगों ने कल ये क्लास मेरे साथ किया है, आपको ये चीज याद रहेगा. What is the answer from these codes? Codes में से answer दीजिए. I'm not understanding आप लोग कौन सा answer दे रहे हो. A, B, C, D ऐसे बताइए आप लोग. Right. Mixed answers आ रही हैं. That too I don't understand. काफी लोग बता रहे हैं A. A कैसे होगा?
गाइस अ लॉट ऑफ यू आर टेलिंग मी ए मुझे समझ में नहीं आ रहा है लॉजिक ए क्यों बता रहे हैं आप लोग गाइस राइट ए तो होगा ही नहीं बिकॉज अभी हम लोगों ने देखा एटसेट्रा प्रिंसिपल इज अ मेजर पार्ट यस मेजोरिटी ऑफ यू हैव गिवन मी द रॉन्ग आंसर द करेक्ट आंसर टू दिस इज डॉक्यूमेंटरी मेथड breaching experiment and etc principle reciprocity of perspectives is phenomenology इसीलिए मैं बोलती हूँ आप लोग ध्यान से देखो मैं बार बार आप लोगों से बोल रही थी but only very less students have pointed out that the codes are wrong या फिर इसमें कुछ problem है maximum of you have gone with all of the above तो ये चीज आप लोगों को देखना है ध्यान से you cannot just answer like that you have to point out ki ma'am kya problem hai isme isliye I was waiting for 2 minutes for you to point me out that but you did not point out ye cheez phenomenology ka part hai kal hi humne dekha tha reciprocity of perspectives hence the options are wrong iska correct answer hai hamara 1 2 and 4 these are the correct answer of this inme se koi bhi hamara answer nahi hai Am I clear? Reciprocity of perspectives is not a concept within ethnomethodology. It is a concept of phenomenology. कल ही हमने पढ़ा था इसीलिए I was repeatedly saying कि ध्यान दीजिए इस चीज को आप It's a PYQ. ये मेरा कोड नहीं है So you don't have to point that out. Okay? Understood now? So that is the whole concept. You have to point out things and not blindly go with the options given clear acha so this is what you people have to remember from ethnomethodology it's very easy koi bhi question aaye aap log galat mat kar dena koi bhi conceptual question aaye bas inhi do char points ko yaad rakhiye ki ye practical hai practical reasoning macro micro dono hota hai aur agar sirf choose karna pada to hum micro choose karenge iske baad reflexivity indexicality main points kaun se methods use hote hain that's all okay clear now all right good exam mein agar codes galat hue to don't worry that question might have chances of being cancelled that's not an issue okay yes so aapko pata hai ki we can challenge questions so in case the answer is wrong we can always challenge and get the question rectified although काफी time net नहीं भी करता है but in that case we can only take risk for 1-2 questions okay all right so I hope you people have understood them अच्छा there are 2 more questions let us see them जल्दी से okay I didn't remember I had 2 more questions इनमें से कौन सा 2 concept Garfinkel use नहीं करता है let us see them accounting etc documentary collective narratives ऑब्वियस सी बात है 4 हो जाएगा कलेक्टिंग नैरेटिव्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ एथनो मेथोडोलॉजी मोर लाइक अ पार्ट ऑफ एथनोग्राफी ओके एथनो मेथोडोलॉजिस्ट्स आर इंटरेस्टेड इन व्हाट इसी क्वेश्चन के बारे में मैं बोल रही थी द आंसर इज नंबर 4 आर्टफुल प्रैक्टिसेस ऑफ बोथ किस तरीके से दोनों प्ले आउट होते हैं टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर दैट वी लिव इन ओके Yes, that's how we are done with the questions now. So thank you so much. In case you people have any doubt, any query, you can comment because a lot of you were commenting today. So I must have missed your comments. आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे एक कमेंट ड्रॉप कर देना. Okay. So thank you so much. I'll see you guys tomorrow 9 o'clock. And this is my referral code for 10% discount on plus subscription. So good night, guys. See you all tomorrow. Bye. Bye, guys.